सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर रोज नए दावे किए जा रहे हैं। बिहार के अभिनेता की मौत को भाई भतीजावाद और बॉलीवुड के कुछ खास लोगों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच बिहार के लोक गायक सुनील छैला बिहारी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेता सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत को पिछले एक महीने से धमकियां मिल रही थी। उन्होंने आरोप में कहा है कि पिछले कुछ महीने से सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान चल रहे थे। लगातार धमकियां मिलने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे। धमकियों का आलम यह था कि वह लगातार अपना मोबाइल सिम कार्ड बदल रहे थे। सुशांत ने एक महीने में करीब 50 बार सिम कार्ड चेंज किया था। सिम कार्ड बदलने के बाद भी धमकियों का आना बंद नहीं हुआ। लोक गायक का आरोप है कि सुशांत के दोस्त संदीप सिंह हर बार नए सिम कार्ड का नंबर धमकी गैंग यानी सलमान खान एंड कंपनी को दे देते थे। इसके बाद सलमान खान अपने गुंडों के माध्यम से सुशांत को कॉल करके धमकियां दिलवाते थे। इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। संदीप सिंह जैसे एक्टर्स को लगता है कि जब तक उन्हें सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर जैसे लोगों का साथ नहीं मिलेगा, वे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए संदीप सुशांत की सारी जानकारी सलमान खान गैंग तक पहुँचाते थे। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की प्रारंभिक जांच से भी पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ समय से लगातार सिम कार्ड बदल रहे थे। हालांकि इस पर अभी किसी पुलिस अधिकारी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है।